नमस्ते मित्र, हूँ मैं चंद्रशेखर। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम राशि की जो श्रृंखला हमारी चालू है उसमें हम सिंह राशि के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे तो विद्वान हो, मैं मेरे दृष्टिकोण से बताता हूँ इस वीडियो चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम है, तो अब सिंह का वर्णन क्या किया है, सिंह राशि का। सिंह सूर्याधिपः, सूर्य इसका अधिपति है। ये सिंह जो राशि है इसका मालिक सूर्य है। सत्वी, ये सात्विक राशि है, पर सात्विक का मतलब शक्तिशाली है। सत्व के दो अर्थ रहते हैं, एक हम सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसा देखते हैं, दूसरा सत्व यानी शक्तिशाली भी होती है। इसका मतलब ये काफी प्रभावशाली लोगों की राशि हो सकती है। जब मैं राशि बोल रहा हूँ तो ये हमें लग्न के संदर्भ में ही देखना, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि चंद्र राशि से भी ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव आपको लग्न पे ज़्यादा दिखेगा। इसका कारण यह है कि लग्न ये आपकी व्यक्ति, ये अपने व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे शरीर को दिखाता है। तो लग्न पे राशियों का प्रभाव मैंने ज़्यादा देखा है। आप अनुभव कीजिए, आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात मान्य हो जाएगी। तो ये शक्तिशाली है। चतुष्पाद, ये चार पाव वाली है। ये बोलने के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा बुद्धि इसलिए नहीं लगती कि सिंह जो है ये चार पाव का ही है। सिंह यानी जिसे शेर हिंदी में कहते हैं, जो मरुस्थल में रहता है वो। फिर ये कौन, इसका वर्ण क्या है, तो ये क्षत्रिय वर्ण की है। नैसर्गिक जो शिकार करेगा, शेर जो है, सिंह जो है, ये शिकार करके ही अपनी अपना पेट गुजारता है, पेट पानी अपना भरता है। तो ये जो सिंह है, ये क्षत्रिय होना ये नैसर्गिक है, लड़ाई करना ये इसका अधिकार है, परंतु ये राजा के समान लड़ाई करता है, इसे कभी ना भूलिए। तो मंगल की जो राशियां है इसमें भी तो लड़ाकूपन है। तो सूर्य की राशि होने से ये इसे अपना अधिकार समझता है। वनी, ये वन में रहता है, ये राशि जंगल में दिखाई देती है। ये भी समझना बहुत मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, परंतु मैं फिर उसका कारण बाद में बताऊंगा। जंगल में रहती है, जंगल का राजा कहते हैं इसे, बृहदगात्र है। इसका शरीर काफी बड़ा है। अब ये जो बड़ा है ना, इसमें मैंने जो पाया है, और शायद मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो हम राशियों के प्राणियों के जो रूप दिए हैं, इसका कारण यह है कि इन राशियों से प्रभावित जो लग्न है, ये राशियां जिसके जिनके लग्न में है, उन पे उस प्राणी की कुछ खूबियां आपको दिखेंगी। ये खूबियां क्या है, तो हम जब सिंह की बात करते हैं, जैसे शेर कहते हैं, बाघ नहीं, हम सिंह की बात कर रहे हैं, शेर की बात कर रहे हैं। आपने उसका जो नर देखा होगा, उसको सर के आजू बाजू बहुत बड़े बाल रहते हैं, उसकी छाती बहुत चौड़ी रहती है, इसे मत भूलिए। उसका स्वरूप आपके ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको सहसा ये दिखेगा कि सिंह लग्न के लोगों का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा, हम अंग्रेजी में डेवलप कहते हैं, ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है, परंतु कमर के नीचे का भाग थोड़ा सा हल्का रहता है, शायद कमज़ोर भी रहता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो आपको शेर के आकृति का और मनुष्य के आकृति का, और हमारे विद्वानों ने इनको जानवरों के नाम क्यों दिए, कुछ बार तो इंसानों के दिए हैं, एक ही राशि में उन्होंने इंसान का नाम, इंसान ने कोई भी जानवर का, इंसान को भी मैं जानवर ही समझता हूँ, बिल्कुल आप समझ लीजिए। हम दो पाँव पर चलने वाले जानवर हैं, हम बोल सकते हैं, इतना हमारे में फर्क जरूर है। तो ये बृहदगात्र है, इसका शरीर बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको डरते हैं। पांडु, ये मटमैले रंग का है। पांडु यानी पीला रंग, थोड़ा सा सफेद पीला ऐसा जो मिक्स हो जाता है, ये इसको हम बोलते हैं पांडु रंग। तो ये पांडु रंग की क्या विशेषता होगी, देखिए सिंह आपने देखा होगा अक्सर आपको मरुस्थल में मिलते हैं, से वनी तो कहाँ है, वन तो रहता है वहां पर वहां काफी जगह खुली रहती है जहां सिंह का बसेरा रहता है। वो बाघ के समान बहुत ज्यादा झाड़ी वाले जगह में नहीं रहता, वो वैसा दौड़ भी नहीं सकता,
इसलिए नैसर्गिक उसका रंग भी, ये जो मरुस्थलीय भूमि है जिसका मटमैला रंग है उसमें वो मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा तो उसको शिकार नहीं मिलेगी कभी, है तो इसलिए उसका रंग मटमैला बताया है। हम पांडु रंग बोलते हैं, रेत के समान है, बालू के समान रंग है उसका। पूर्वे, ये पूर्व दिशा दर्शाता है। और द्युवीर्यवान, दिन में बली है, ये हमें समझ लेना है। हम जब शिकार का तरीका देखेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि शेर ज़्यादा दिन में ही शिकार करना पसंद करते हैं। ऐसे तो बाघ भी करते हैं, पर बाघ दोनों वक्त कर सकते हैं। इसका संबंध क्या है? दिन में यह प्रबल रहती है। अरे इसका यदि स्वामी सूर्य है तो सूर्य तो दिन में ही उगता है, दिन में ही हमें उसके दर्शन होते हैं। अब इसको हम जब इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं तो सिंह की विशेषताएं क्या है? देखिए, सूर्य इसका अधिपति है, सूर्य जो है ग्रहों के राज दरबार में राजा है। ये सिंह राशि का जो सिंह है इसे जंगल का राजा कहते हैं। इनमें दोनों में समानता क्या है? इन्हें जो भी हासिल है उससे इनका समाधान कभी नहीं होता। आप सिंह को जब देखोगे, खासकर जिन्हें मराठी का थोड़ा सा ज्ञान होगा, संस्कृत में भी होगा, तो लेखक जब अपने पुस्तक लिखते हैं तो फिर सिंहावलोकन ऐसा लिखा जाता है। मैं पीछे देख के बता रहा हूँ पीछे क्या हुआ, और बाद में मैं पृष्ठभूमि लिखता हूँ कि ये मैंने इस ग्रंथ का ईजाद क्यों किया करके। ये शेर जो है ना, इसको भी ये आदत रहती है, दौड़ते दौड़ते पीछे देखता है। इसीलिए शेरनी शिकार करती है जंगल में, शेर नहीं करता, क्योंकि वो राजा है, वो थोड़ी जाएगा, उसकी सेना जाएगी, उसकी सेनापति जाएगी, है ना। ये स्वभाव एक बार हमें समझ गया, सूर्य इसका अधिपति है ये समझ गया, तो सिंह राशि के, सिंह खासकर लग्न के लोग, ये कभी पूर्णतया संतुष्ट नहीं रहते। उन्हें जो भी मिल गया होगा वो आपको जरूर कहेंगे कि अब मिलकर क्या फायदा, ये तो मुझे पहले मिलना चाहिए ना। और नैसर्गिक है, राजा यदि तुष्ट हो जाए तो राज्य डूब जाता है, ऐसी कहावत है। ब्राह्मण अतुष्ट नहीं होना चाहिए और राजा तुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी वो खुश नहीं होना चाहिए। खुश रहेगा तो वो अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेगा, यदि सीमाओं का विस्तार नहीं करेगा तो उसका शत्रु करेगा, तो इसकी जो इसका जो राज है ये चला जाएगा। तो ये है सूर्य की राशि, ये सिंह उसकी राशि है, इनकी ये कुछ विशेषताएं हैं। पूर्व में ये प्रबल रहता है, तो हमको ये देखना है कि इसका तत्व अग्नि तत्व कहा गया है, शायद इसलिए क्योंकि इसका जो अधिपति है वो सूर्य है, ये अग्नि देवता के रूप में रहता है, ये जलाता है आपको जब निकलता है तब। तो कई बार ये लोगों को थोड़े से, हम क्या कह सकते हैं उनको, उनको जरा ज़्यादा अभिमान रहता है, वो ये मान के चलते हैं कि इनका ये अधिकार ही है, और यदि इनको ऐसा लगा कि लोगों ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इनको बहुत बुरा लगता है, वो अपमान में महसूस करते हैं। और शायद इसका कारण ऐसा है कि इनका कहना है कि भाई हमें तो मान मिलना चाहिए, हम तो राजा हैं, राजा यानी प्रत्यक्ष के राजा नहीं, ये दिमाग में हमारे जो चल रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। वन में रहते हैं, इसका कई बार वो जो प्रयोग होता है, ये वन में क्यों रहते हैं का, ये कभी कोई चीज गुम जाए तो कहाँ पड़ी होगी, है ना। या सिंह राशि, आप फर्ज कर लीजिए कि सिंह राशि चतुर्थ भाव में आ गई और वहाँ सूर्य के समान ग्रह का प्रभाव पड़ा, तो हो सकता है इनके घर के आजू बाजू में कोई या तो मंदिर हो क्योंकि सूर्य उसका अधिपति है, या कोई जंगल वगैरह हो, इसकी संभावना है। इसे आप समझ लो मंदिर, इसलिए क्योंकि सूर्य का रहना मंदिर में है, परंतु सिंह राशि जो है ये वन में रहती, तो कई बार ऐसा हो सकता है। इसका हमें बड़ा युक्तिपूर्ण प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि राशि का स्वामी और राशि, इनके रहने की जगह अलग अलग है। अब और ये दोनों यदि इकट्ठा आ गए तो ये प्रश्न हर वक्त रहेगा। ये सरकारी किसी अपने कार्यालय के बाजू में भी रह सकते हैं, क्योंकि इनका सरकार से संबंध आता है। तो इनकी खासियत ये ख्याल में रखना कि हमने पहले ही सूर्य का स्वभाव देखा है,
इसके कुछ गुण इसमें अवश्य रहेंगे और इनको ये हर वक्त लगेगा कि ये जो भी चीज़ है, जो भी मान है, जो पदोन्नति की जगह है, ये मेरे ही लिए बनी है। इनको जब भी मिलेगी वो पदोन्नति तो ये कभी खुश नहीं रहेंगे। आप उन्हें बधाई देने जाओगे तो बोलेंगे भाई अभी होके क्या फ़ायदा, ये पहले हो जाना चाहिए। वो राष्ट्रपति भी हो जाएंगे तो भी ऐसा ही बोलेंगे, ये अभी होके क्या फ़ायदा, पहले होना था। पंत प्रधान बनेंगे फिर भी यही कहेंगे। ये मानसिकता अच्छी है या बुरी है? मुझे ऐसा लगता है जिसे आगे बढ़ना है उसके लिए तो अच्छी मानसिकता है। इसीलिए राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करके अपना घोड़ा जब सब जगह भेजते थे कि भाई आप मेरा स्वामित्व कबूल करो, काहे के लिए, हमारे क्षेत्र का विकास करने, हमारा क्षेत्र बढ़ाने के लिए, हमारा अधिकार लोगों ने मानना चाहिए। इसलिए इनको तो खतरी थी कि हमारा अधिकार है, लोगों को नहीं समझता तो हम दिखाएंगे। तो कई बार वृथाभिमान भी इनमें रह सकता है। इसका मतलब क्या हर वक्त वृथा, ऐसा जरूरी नहीं। बाकी ग्रह जो राशि पे देखेंगे, लग्न पे देखेंगे, उनके स्वभाव भी इसमें आने वाले हैं। तो ये तो हम अलग अलग इसलिए देख रहे हैं कि जब आप किसी राशि चक्र का विश्लेषण करना चाहोगे तब आपको ये सब जो मैं उन्हें बोलता हूँ ये ईंटें हैं, ये ईंटें एक पे एक पे बराबर लगा के ढंग से बैठती है तो वो समझ के फिर हमें किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं हम कि उसके आखिरी नतीजे पे आना चाहिए। इसमें हम हर वक्त सफल रहेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है 70-80% तो हम सफल रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा प्रमाण है। किसी भी शास्त्र में जहाँ हमें आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना पड़ता है, हम समझते नहीं कि वो भविष्यवाणी, जैसा जो वैद्य आता है, जो डॉक्टर आता है, ये बोलता है आप ये दवा ले लो 10 दिन में ठीक हो जाओगे, ये भी भविष्यवाणी है। कभी कभी आप नहीं होंगे, कभी आप 3 दिन में भी हो जाओगे, है ना। या इंजीनियर है, मैं तो ऐसा तो पढ़ाई से तो इंजीनियर हूँ, तो जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं हम बोलेंगे इतने साल टिकेगी, कभी कभी हम देखते हैं वो स्लैब गिरी और वो सूखने के पहले पूरी स्लैब ही नीचे गिर गई, है ना। तो ऐसा होता है, तो ये कहाँ भी भविष्यवाणी रहेगी वहाँ 100% सही आना ये असंभव नहीं है, पर ये काफ़ी बार होता है, ये संभव होता है, कभी कभी नहीं होता। इसलिए कोई भी ज्योतिषी ने निराश नहीं होना चाहिए। ये सिंह राशि में और क्या है, इसको हमको तो समझना तो है ही आखिरी में। इसके सामने शनि की राशि है जो कुंभ है ना। तो ऐसे लोगों को, लोगों ने हमारी सत्ता, शनि आपको मालूम है वो राजा के दरबार में वो तो बेचारा भृत्य है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी बात, हमारे जो सहयोगी जो है, हमारे से जो रोज व्यवहार करता है, हमारे जो साथ में काम करते, इन्होंने सबने मेरी बात मान लेना चाहिए क्योंकि ये मेरी लायकी है, ये इन्होंने तय कर लिया है, वो हो ना हो वो हम देखा जाएगा बाद में। तो इस प्रकार से जब हम सिंह राशि को देखना चाहते हैं, फिर ये सिंह राशि की और एक खासियत है कि सिंह राशि में लग्न में यदि रवि बैठ जाए जो इसका मालिक है, तो ऐसा कहते हैं कई बार रतौंधी आती है, क्योंकि ये राशि खुद चमकदार है, इसका प्रकाश और रवि का प्रकाश शायद एक दूसरे पे गड़बड़ कर देता है, तो ये भी हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। इस दृष्टि से हम जब हर राशि को देखेंगे, हमने पहले भी देखा है हर राशि का क्या स्वभाव रहता है, वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, इस राशि में भी ये ख्याल में रखना। अच्छा, इन लोगों को लोग कई बार अकारण डरेंगे, ये अच्छे भी रहेंगे तो लोग दूर से ही इनको नमस्कार करेंगे। आप सिंह के पास नहीं जाते, वो दूर से बड़ा अच्छा दिखता है, वो सफारी में लोग जाते हैं ना फोटो वोटो लेने के लिए, वो जब तक वो दूर रहता है तो फोटो लेते हैं, वो नज़दीक आने लगा कि सब चिल्लाना चालू कर देते हैं। इसका कुछ कारण है क्या? कुछ नहीं, ये उसकी एक प्रकृति है, उसकी चाल है, उसका व्यवहार है, जिसमें वो अधिकार युक्त है, ऐसा ही उसे भी महसूस होता है, लोगों को भी महसूस हो सकता है, इसे समझ लीजिए। ये थोड़े हट ही रहेंगे क्योंकि वो राजा है और सूर्य है, और फिर ये राशि क्रूर है क्योंकि ये 5 है ना, यानी विषम नंबर की राशि है, ये पुरुष राशि है। अब पुरुष का जो
मूल स्वभाव है वो भी वो राशि में से आएगा, इसका क्रौर्य भी इस राशि में से आएगा, परंतु ये स्थिर राशि है। इसका मतलब इसने एक बार काम ले लिया तो ये इसे अंत तक ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, यदि वो सफल न हो तो वो शायद हो सकता है बोलेगा कि मेरे जो अनुयायी थे इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि मैं तो राजा हूं तो मैं गलत कर ही नहीं सकता, परंतु ये स्थिर राशि है, इसे मत भूलिए। कुछ लंबे दौरान के काम, बहुत बड़े काम यदि कुछ देने हैं जिसमें नाम भी मिलने की संभावना है, जरूर सिंह राशि के, रादर सिंह लग्न के। मैं बीच में अंग्रेजी शब्द लाता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तीनों भाषा आती है तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ कभी कभी, मराठी में मैं कभी बोल दूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, हालांकि हमारी सब भाषाएं सरीखी हैं, कभी एक आधा अंग्रेजी शब्द आ जाएगा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इसका स्वभाव जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। ये मूल त्रिकोण, माफ कीजिए, ये हमारा जो नैसर्गिक कालचक्र है जिसमें हम मेष राशि को लग्न समझ के देखते हैं, उसमें यह पंचम भाव की राशि है, यह अनुभव से काफी सीख सकता है। हो सकता है कि ये एक विषय का अभ्यास करे और आगे जाके और दूसरे किसी विषय में चला जाए जिसमें उसको ज्यादा महारत हासिल हो जाए। फिर ये काल पुरुष के अंगों में ये उदर को दर्शाती है, पेट को दर्शाती है, जिसमें हमारा अन्न का पचन पहले होता है ना, अतड़ियों में जाने के पहले, उसको पेट कहते हैं, ये उदर दर्शाता है। कई बार वहाँ पर उसका यदि प्रभाव या राशि बारहवें में चली गई तो वो षष्ठ के सप्तम में आने से कभी कभी इनको पेट की तकलीफें हो सकती है। हर वक्त होगी ऐसा मैं बोल नहीं रहा, इसे कृपया समझिए, क्योंकि इस शास्त्र में एक ही कोई चीज लेके उस पर से हम बगला नहीं बना सकते। ये एकादे मंदिर के समान ही है, अलग अलग जगह अलग अलग पत्थर रखना पड़ता है, अलग अलग नींव की गहराई करना पड़ता है और उसकी ऊंचाई भी संभल के करनी पड़ती है। ये सब एक दूसरे को जब संभालते जाते हैं तभी उसका हम भविष्य में, भविष्य के फल में परिवर्तन इसका कर सकते हैं, ये हमें जो ज्ञान मिल रहा है इसका। तो इस राशि की एक खासियत याद रखना, कई लोगों का ऐसा मानना है कि सिंह राशि में यदि कोई क्षति है तो उदर को रोग हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता वो समझो षष्ठ की राशि होगी, षष्ठेश होगा, षष्ठ भाव में बैठी होगी और उसको कुछ क्रूर ग्रह देखते होंगे, या पंचम में बैठ के भी वहां यदि क्रूर ग्रह देखते होंगे तो हो सकता है कि इसको उदर रोग हो सके। रोगों के विषय में मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हम अभी राशियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये सहसा समुदाय में रहने पे इनको अच्छा लगता है, हालांकि ऐसा देखा जाए तो मन से तो इनको अकेला ही रहना अच्छा लगता है, परंतु जब ये समुदाय में जाते हैं तो इनको अच्छा इसलिए लगता है कि इनका नेतृत्व लोग जहां स्वीकारेंगे ऐसे समुदाय में जाना इन्हें अच्छा लगता है। बाकी समुदाय में वो जाएंगे कि नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि ये आपको मालूम है ये शेर है तो ये जंगल का राजा है, तो राजा को तो ऐसा है लोग मान देंगे तो वो आएगा, वरना तो वो नहीं आएगा। कई लोगों का कहना है कि ये क्रूर राशि है क्योंकि ये विषम राशि तो है ही, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्रौर्य नहीं है, वो जो क्रौर्य है ना वो इसके अति अभिमान के स्वभाव की वजह से लोगों को वो क्रूर लग सकता है, जिसे हम ईगो कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा लग सकता है कि ये जरा ऊर्ध्वाभिमानी है, ये संभावना है, क्योंकि ये ऐसा भी समझता है कि ये मेरी सब लायकी है, जो मुझे अधिकार मिले मैं इसके लिए योग्य ही था, ये मुझे थोड़ी देर से मिले और जल्दी मिलना चाहिए। तो इस तरह हम जब जिन जानवरों को लाक्षणिक रूप से राशियों के संबंध लाया है हमारे ऋषियों ने, उनसे हम काफ़ी समझ सकते हैं यदि हम उन जानवरों को समझ सकें। इसको कुछ भी चीज़ हो गई तो इसका जो श्रेय है ये खुद को पहले होना, इसीलिए शेर जब शिकार करता है तो शिकार तो शेरनियाँ करती है, खाने के वक्त शेर पहुंच जाता है, इनको बाजू कर देता है ना, ये इनका एक स्वभाव होता है। ये स्वभाव यदि अति ज़्यादा आ गया तो फिर लोगों को वो बुरा लगेगा, है ना, या इनको यदि श्रेय नहीं मिला तो इनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इनको श्रेय होना है,
जो भी काम हुआ है इसका मुख्य भाग जो है आविर्भाग ये मुझे पहले होना है, ये इनके मानसिकता। क्या वो बुरी है? देखिए कोई भी चीज बुरी नहीं है यदि वो मर्यादा में है। हमारे यहां बोलते हैं अति सर्वत्र त्यजते, इसलिए हाँ सिंह लग्न है उसमें भी सूर्य लग्न में बैठा है, फिर शायद ये ज्यादा आपको प्रभाव से महसूस भी है और फिर शायद इनके साथ लोग काम करने को जरा हिचकिचाए। अन्यथा हर राशि अच्छी है, हमें जो दिया है प्रभु ने राशि चक्र के माध्यम से इसका हमने सही कैसा प्रयोग करना है इसे हमें समझना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। 20 मिनट हो गया है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है आजकल, मुझे वो क्या बोलते हैं हर्पीस जोस्टर मराठी में नागिन बोलते हैं, वो हो गया था यहाँ से चालू होके आग तक गया था, तो अभी तो मैं ठीक हूँ, तो मैं इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। ऐसा तो इसका प्रीमियर तो बाद में होगा, पर आपको भी लग रहा होगा कि आज जरा चंद्रशेखर जी उतने उत्साह से नहीं बोल रहे, उसका कारण ये है, परंतु मैं मेरा कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता, तो यदि इसमें कोई क्षति होगी इसमें इस वीडियो में इस लेक्चर में पहले चार राशियों के कंपैरिजन में उनकी तुलना में, तो आप मुझे जरूर माफ़ कर देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मित्रों कुछ खामियां रह गई होंगी मेरी कहीं, या आपको और कुछ ज़्यादा मालूम होना होगा तो मुझे ज़रूर लिखिए। आपको मालूम है मुझे प्रश्न आया मैं उसका जवाब देता हूँ, यदि मैं मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे राशि चक्र का विश्लेषण बता रहा है तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हम वो विश्लेषण नहीं करेंगे, परंतु सहसा शंकाओं का जवाब मैं देता हूँ। आपकी यदि कोई टिप्पणी है तो उसका भी मैं जवाब, मैं उसका बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, हमारे ऋषि खुद को सर्वज्ञ नहीं समझते थे। पाराशर जी बोलते थे गर्ग आदि ना मता, गर्ग आदि का ये मत है मेरा अलग मत है, तो मैं ऋषि तो हूँ नहीं, मैं तो और उनसे नीचे में हूँ, इसलिए उसका मुझे बुरा नहीं लगता। इसे कृपया ध्यान में रखिए और आपके जो भी अभिप्राय है मुझे ज़रूर बताते रहिए। शुभ रजनी।